बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र कम दिनों का है लेकिन काफी ज्यादा हंगामेदार है, क्योंकि आपको बता दें आज सुबह जिस तरीके से आंगनवाड़ी की सेविकाओं ने बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा किया, पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पे मौजूद था। इस बीच एक और खबर सामने आ रही है जहां पे बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अमित शाह पर निशाना साध दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर दौरे पे अमित शाह आए थे और उन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़ों पे सवाल खड़ा कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम और यादवों का जो संख्या है जातीय जनगणना पर उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, क्योंकि आरजेडी या फिर बात करें हम महागठबंधन की सरकार की तो उसमें MY समीकरण काफी ज्यादा देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने के लिए जातीय जनगणना में मुस्लिम वोट बैंक को ज्यादा दिखाया गया है, मुस्लिमों के आंकड़े को ज्यादा दिखाया गया है। और इस बीच जब पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ये सवाल किया कि मुजफ्फरपुर में भाषण के दौरान जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा और आप लोगों की सरकार पे ये सवाल उठा दिया कि आप लोगों ने जातीय जनगणना के आंकड़ों में गड़बड़ी की है, तो क्या कुछ कह रही है राबड़ी देवी, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। मैडम मैडम मैम, जातीय जनगणना अमित शाह आइए ना, जातीय जनगणना की हम बोल रहे हैं, सब मुस्लिमों को आइए मैडम ने पढ़ा दिया। मैडम आ जाइए, तुम आ जाइए मैडम, मैम यहाँ यहाँ से बोल दीजिए, यहाँ पे बोल दीजिए। सुना आपने किस तरीके से राबड़ी देवी ने ये कह दिया कि आप पूरे देश में जातीय जनगणना करा लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी गिनती है, किसकी कितनी भागीदारी है और क्या यादव और मुस्लिमों के जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो सही है। चलिए अब देखना होगा जिस तरीके से राबड़ी देवी ने अमित शाह पे निशाना साधा है तो तस्वीरें क्या कुछ निकल के सामने आती है। बहरहाल मैं नाम स्नेहा गुप्ता और आप IVTV देख रहे, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।